हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक आज नई खबर लेके आ रही हूँ, तो आप ये खबर को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरें आपको देखने को मिलते रहेंगी मेरे इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संभव ऐप से होगी कुपोषित अति कुपोषित की पहचान। ये खबर जो निकल के आ रही है सिद्धार्थनगर संवाददाता से। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ICDS अब पोषण ट्रैकर व संभव ऐप के जरिए कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर आंकड़े दर्ज करेगा। इसके लिए नौगढ़ ब्लॉक परिसर में सोमवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सेविता व चयनित कार्यकर्ताओं को मिलाकर 32 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के बाद सेविकाओं व कार्यकर्ताओं को मुख्य प्रशिक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह लोग ब्लॉक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगी। ICDS द्वारा ब्लॉक परिसर के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में प्लान इंडिया के DRP व ट्रेनर उत्पल दुबे ने सभी को पोषण ट्रैकर व संभव ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैकर के जरिए हम सभी कुपोषित अति कुपोषित सैम बच्चों की पहचान करेंगे। इसके बाद बच्चों का वजन लेते हुए लंबाई व ऊंचाई की माप करनी होगी। कुपोषित व अति कुपोषित की पहचान के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद संभव ऐप पर सभी बच्चों का डेटा अपलोड करना होगा। इसके बाद बच्चों की निगरानी करते हुए सेहत को बेहतर करने का प्रयास होगा। इसमें अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में भेजकर उपचार कराना। बच्चों को NRC में 14 दिन रखा जाता है, जिसमें खान पान के जरिए सेहत बेहतर की जाती है। बच्चों को NRC भेजने से पहले रविवार को 14 दिनों तक रहने के लिए संतुष्ट कर दें, ताकि वह बीच में वापस ना आए। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी गैरी शंकर यादव, भानु प्रताप सिंह, संतोष राय आदि मौजूद रहे। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इन ब्लॉकों में चलेगा प्रशिक्षण, किन किन ब्लॉकों में प्रशिक्षण चलने की तैयारी है। मुख्य प्रशिक्षक के जरिए ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए ब्लॉकों में प्रशिक्षण आयोजित होंगे, जिसमें मुख्य सेविका व चयनित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसमें मुख्य सेविका व चयनित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बारे में जान लेते हैं। ICDS ने मुख्य सेविकाओं व चयनित कार्यकर्ताओं को किया प्रशिक्षित। नौगढ़ शहर व ब्लॉक के 32 चयनित कार्यकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण। किन बिंदुओं पर मिला प्रशिक्षण, आप देख सकते हैं। अल्प वजन में बच्चों का मापन, आयु के अनुसार वजन, कुपोषित अति कुपोषित का वजन व लंबाई नापने की विधि, ग्रोथ चार्ट भरने की विधि, संभव ऐप एवं पोषण ट्रैकर, तो इन बिंदुओं पर मिला प्रशिक्षण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा ये खबर जो है प्रशिक्षण की संभव ऐप से होगी कुपोषित अति कुपोषित की पहचान। तो अगली वीडियो मैं लेके आऊँगी इसी तरह से अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।